अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ पत्ता गोभी सब्जी बनाने की रेसिपी शेयर करूँगी। तो देखते हैं ये सब्ज़ी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले लेंगे हम गोभी, 500 ग्राम गोभी है जिसे हमने पतले लंबे काट लिया है। 2 बड़े प्याज है जिसे हमने पतले लंबे काट लिए हैं। 2 टमाटर है उसे बारीक बारीक काट लिया है। 3 हरी मिर्च और नमक टेस्ट के हिसाब से। तो सबसे पहले हम पैन में 2 टेबल स्पून तेल लेंगे। तेल गरम हो गया तो फिर उसमें हम कटी प्याज डालेंगे। प्याज को हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, ना ही गोल्डन करना है। बस प्याज नरम हो जाए, हल्की गुलाबी हो जाए, उतना ही हमें फ्राई करना है। अब हम इसमें हरी मिर्च ऐड करेंगे, सॉटे करेंगे। नमक डालेंगे, मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें हम टमाटर डाल देंगे, जो 2 टमाटर हमने कट कर लिए थे। अच्छे से मिला लेंगे। 2 मिनट टमाटर को पकने देंगे। टमाटर जैसे ही थोड़ी नरम हो जाएगी इसमें हम हल्दी ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हल्दी लेंगे। यहाँ पर मैंने 500 ग्राम सब्जी ली है इसलिए मैंने 1 टीस्पून हल्दी ऐड की है। अगर आप 250 ग्राम सब्जी लेते हैं तो 1/2 टीस्पून हल्दी ऐड करना चाहिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे पत्ता गोभी जो हमने काट के रख ली थी। अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें टमाटर, मिर्ची, हल्दी वगैरह अपनी गोभी को अच्छा सा कलर आ जाए, येलो जैसा। 1 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे अच्छा इसे भून लेंगे। 1 मिनट तक अच्छा हमने भून लिया है। अब हम इसे ढक कर 2 मिनट तक लो फ्लेम पे पकने देंगे। अब हमारे 2 मिनट हो चुके हैं, हमारी सब्जी तैयार हो गई है, रेडी। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। पत्ता गोभी की सब्जी बनके रेडी है और देखिए ये कितनी कलरफुल लग रही है। पत्ता गोभी की सब्ज़ी 2 तरीके की बनती है। ये मैंने हरी मिर्च की बनाई थी और एक तरीके की बनती है जिसमें चने की दाल और खोबरे की चून डाल के बनाया जाता है। वो हम कभी नेक्स्ट टाइम बनाएंगे। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।